भैया आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप ऑक्टोपस प्रो फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जैसे कि फ्री फायर की कीमत भी सेव नहीं होती थी जब आप कोई कस्टमाइजेशन करते थे उसमें, और साथ ही साथ आप फ्री फायर को गूगल प्ले लॉगिन से कैसे खेल सकते हैं वो भी करके दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान बाय विवेक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो भैया सबसे पहले जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद कुछ आपको ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑक्टोपस मॉड APK 6.1.4 प्रो अनलॉक्ड ये वाला आपको वर्जन डाउनलोड करने को मिलेगा। तो आप नीचे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको ये अगला वाला पेज आएगा। अगले वाले पेज में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा ऑक्टोपस APK मॉड प्रो अनलॉक। तो आपको ये 6.1.4 वाला वर्जन डाउनलोड करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका डाउनलोड ऑक्टोपस होने लगेगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे ये वाली बटन आ जाएगी, उसके बाद इसको आपको क्लिक करना है। 15 MB का है दोस्तों ये, तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्जन है ऑक्टोपस प्रो का, अनलॉक्ड है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इससे पहले आपके पास कुछ अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन का आया तो वहाँ पे आपको सेटिंग में जाके इनेबल करना पड़ेगा, अननोन सोर्स से इंस्टॉल करने का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास ये इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। तो उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा, यहाँ पे आप ऊपर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑक्टोपस प्रो अपग्रेडेड है, बेसिक भी आपका अपग्रेडेड है और प्रो भी आपका अपग्रेडेड है। तो अब आप इससे क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ और उसके बाद फिर आपको मैं सारी चीज़ें कर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ऑक्टोपस प्रो में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगी, और दूसरा आप गूगल प्ले लॉगिन कर सकते हैं। तो गूगल प्ले लॉगिन फ्री फायर को मैं अभी करके थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ आपको। उसके बाद जो आपको समस्या आती थी जैसे कि फ्री फायर में आपकी की मैपिंग सेव नहीं होती थी जब आप कुछ कस्टमाइजेशन करते थे, आपको वही डिफ़ॉल्ट वाली की मैपिंग होती थी, तो वो भी नहीं आने वाली इसमें समस्या है दोस्तों, आप सेव हो जाएगी, वो भी करके दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको कुछ प्रो मैपिंग मिलेगी यहाँ पे। तो चार चीज़ें हैं आपके पास ऑक्टोपस प्रो में। उसके बाद देखेंगे आप प्रो मैपिंग में आपको ये स्वाइप की, मल्टीप्लाई की, ऑर्डर की, अनलॉक, डेड जोन और ये ऐसी सारी की मैपिंग मिलेगी। ये सारी की मैपिंग मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी थोड़ी। उसके बाद इसकी डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं इसका डिटेल में बता दूंगा कि की मैपिंग आपके किस काम में आने वाली है। उसके बाद जब आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये फ्री फायर दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्टोपस प्रो में जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि ऑक्टोपस प्रो अगर है तो आपका ID बैन नहीं होगा, या फिर आपका कोई और जो गेम नहीं चलते थे ऑक्टोपस प्रो में जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर और कोई गेम तो वो चलने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसा कि ऑक्टोपस में था ऑक्टोपस प्रो में भी वैसे ही है, जो गेम उसमें नहीं चलता था वो गेम इसमें भी नहीं चलेगा, और साथ ही साथ ये भी क्लोनिंग से चलता है तो आपकी ID बैन हो सकती है, तो आप वो देख के खेलें हमेशा। तो सबसे पहले जब आप फ्री फायर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम ऑक्टोपस की तरह यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले मैं आपको गूगल प्ले लॉगिन से दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको की मैपिंग सेव करके दिखा दूंगा कि कैसे करनी है। तो गूगल प्ले लॉगिन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, गो टू फिक्स में। तो गो टू फिक्स में सबसे पहले ये आपसे ऑक्टोपस प्लगइन 32-bit इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। अगर आपके पास है ऑलरेडी 32-bit का प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है तो आपसे ये ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। 32-bit को जब आप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल नहीं होगा, यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा कि कांट इंस्टॉल ऑक्टोपस प्लगइन 32-bit। ये क्यों आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने ऑक्टोपस गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं कर रखा तो आप ऑक्टोपस प्लगइन 32-bit को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ऑक्टोपस प्लगइन 32-bit को इंस्टॉल करने के लिए जो हमने ऐप इंस्टॉल किया था APK मॉड्यूल से उसे आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको जो ऐप ऑक्टोपस का है यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ से जैसे हमने इंस्टॉल कर लिया। इसके इंस्टॉल होने के बाद आप ऑक्टोपस 32-bit यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, 32-bit प्लगइन यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें तो आप ये इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि आपने ऑक्टोपस का मेन ऐप आपने वहीं से इंस्टॉल किया है गूगल प्ले स्टोर से। तो आपका ये देखिए इंस्टॉल हो गया, तो बस हमें यही इंस्टॉल करना था। अब आपको जो हमने गूगल प्ले वाला अभी हमने इंस्टॉल किया उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि हमारा 32-bit का प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद अब जो मैंने अभी आपको APK मॉड्यूल वाले से इंस्टॉल करके बताया था वहाँ से आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो डाउनलोडेड दिख जाएगा, जैसे ये देख रहे हैं ये डाउनलोडेड है हमारे पास। अब आपको मॉड वर्जन अब दोबारा इंस्टॉल कर लें ऑक्टोपस का।
तो ये देखिए हमारा मॉड वर्जन इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑक्टोपस इंस्टॉल हो गया, आपका ऑक्टोपस 32-bit का प्लगइन इंस्टॉल हो गया। तो बहुत सीधा सिंपल सा है दोस्तों, आपको ऑक्टोपस प्लगइन 32-bit इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए प्ले स्टोर से सबसे पहले ऑक्टोपस जो आपके पास ऐप है उसको अनइंस्टॉल मत करिए, सबसे पहले ऑक्टोपस प्लगइन 32-bit इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद उसे अनइंस्टॉल करके आप ये मॉड वाला वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ से APK मॉड्यूल से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बस इतना करना है आपको। उसके बाद आप ओपन कर लें अपना, सारी परमिशन अलाउ करने के बाद आप यहाँ पे देखें वही सेम आपका अपडेटेड है। अब यहाँ पे आप अपना गेम जब देखेंगे फ्री फायर ओपन करेंगे, यहाँ पे अलाउ करेंगे, यहाँ पे हमने ये अलाउ कर दिया परमिशन ड्रॉ करने की। उसके बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे आप गो टू फिक्स वाली ऑप्शन में जाएंगे। देखिए अब आपका ऑक्टोपस 32-bit प्लगइन का इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं आया। अब यहाँ पे जो परमिशन आ रही है वो सारी परमिशन आपको अलाउ करते जाना है। उसके बाद आपसे ये गूगल प्ले का लॉगिन मांगेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया गूगल अकाउंट सेटअप करने का ऑप्शन आ गया। तो जिस गूगल अकाउंट से आप लॉगिन करना चाहते हैं अपने फ्री फायर को, वो गूगल अकाउंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना चाहता हूँ तो जीमेल अकाउंट में फटाफट उससे यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि देखा ये लॉगिन सक्सेस हो गया और उसके बाद आप एग्री करेंगे, यहाँ पे आपका ये अकाउंट सेटअप होने लगेगा। तो फाइनली गूगल प्ले लॉगिन के बाद यहाँ पे ये स्क्रीन आ गई, यू कैन नाउ लॉगिन बाय गूगल प्ले, ये आपके पास मैसेज आ गया। नीचे है अनलॉग्ड, नीचे आपका जीमेल का अकाउंट है जिससे आप फ्री फायर को गूगल लॉगिन से प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आप डन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपका यहाँ पे फ्री फायर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉन्च करने के बाद ये आपका फ्री फायर खुल जाएगा। अब आप देखेंगे आपको बार बार स्किप नहीं करना पड़ेगा, आपका सीधे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपने देखा आपको फ्री फायर की मेन लॉगिन स्क्रीन आ गई। यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट से लॉगिन करने के लिए मोर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको गूगल का ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। पहले क्या होता था, आपको गूगल का ऑप्शन ही नहीं दिखता था साइन इन का, जब आपके पास प्रो अनलॉक्ड नहीं था और आपने यहाँ पे इसको सारा सेटअप नहीं किया था। तो सेटअप करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल से साइन इन करने का आपके पास ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक साइन इन हो जाएगा उसी गूगल अकाउंट से जो आपने अभी दिया है ऑक्टोपस को, उससे ये ऑटोमेटिक साइन इन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे गूगल से लॉग आउट का ऑप्शन भी आने लगेगा। इसके बाद जब आप टैप करेंगे तो आप मेन स्क्रीन पे लैंड कर जाएंगे। अब इसके बाद आपको कीबोर्ड से खेलने के लिए आपको सिंपल सा वही जो आप करते थे यहाँ पे कीबोर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो आपका ये एरो चेंज हो जाएगा ब्लू में, ये आपका कीबोर्ड से चलने लगेगा। इसके बाद आपको की मैपिंग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, की मैपिंग कैसे सेव होती है, जैसे कि आपका ऑक्टोपस में नहीं सेव होती थी यहाँ पे कैसे सेव होती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर ऑक्टोपस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सारी की मैपिंग दिखने लगेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ परफेक्ट की मैपिंग नहीं है, सारी इधर उधर डिस्प्लेस हैं, तो आप उसे परफेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो और भी की मैपिंग ऐड करनी है वो भी ऐड करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, तो भी दिखाता हूँ आपको। उसके बाद मैं इसे सेव किया, उसके बाद ये सारी सेव हो जाएगी। उसके बाद मैं अभी ओपन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये सेव्ड है। उसके बाद यहाँ पे जब आप की मैपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे की मैपिंग आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं कि ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट की मैपिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं ठीक है, आपने डिफ़ॉल्ट की मैपिंग दे दिया आपने, जैसे कि ये रीनेम हो गई। उसके बाद आप और भी की मैपिंग ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ आप दूसरा की मैपिंग ट्राई करना चाहते हैं कि उससे परफेक्ट है और इसको आपको खोना नहीं है, तो आप इसमें दूसरी की मैपिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट कॉपी हो गया, ये मल्टीपल आ गई आपके पास, एक डिलीट कर दें और यहाँ पे दूसरे वाले पे आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हाँ भैया इसमें मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पर हम चेंज करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। दूसरी आ गई, ये सारी कॉपी पहले वाली की आ गई, तो यहाँ पे आप इसे जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, जो भी बटन जहाँ सेट करना चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसे सेव करेंगे तो आप दोनों की मैपिंग देख सकते हैं कि पहली वाली की मैपिंग बेसिकली ये यहाँ पे है, देखा आपने ये यहाँ पे है, दूसरी वाली की मैपिंग आपकी यहाँ पे है। तो मल्टीपल की मैपिंग आप इस तरह सेव कर सकते हैं। अब अगर आप एग्जिट करेंगे, एग्जिट करके दोबारा आएंगे तो आपकी की मैपिंग सेव रहेगी। अगर मुझे आपको दिखाना हो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ से मैंने इस गेम को क्लोज किया, आपने देखा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑक्टोपस में वापस जाऊँगा और वापस इस फ्री फायर को ओपन करूँगा और वापस जब मैं आपकी की मैपिंग देखूंगा तो देख रहे हैं आप वही उसी पोजीशन पे है जहाँ पे मैंने डाल रखी थी, डिफ़ॉल्ट वाली है और दूसरी डिफ़ॉल्ट कॉपी वाली आपकी
यहाँ पे है, ये दोनों दोनों की रैपिंग आपकी वैसी सेम सेम है जैसा कि हमने छोड़ी थी, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। आपने देखा कि आपकी मैपिंग सेव कर सकते हैं, गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रो मैपिंग भी दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे कुकी मैपिंग, तो ये सारी प्रो अनलॉक हो चुकी है। यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई वाला बटन है, स्वाइप वाला है, ऑड वाला है, ये हो गया आपका की मैपिंग सेव का और आपका बेसिकली गूगल प्ले लॉगिन का हो गया। चलिए अब आपको मैं गेम प्ले दिखा देता हूँ फटाफट। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो ऐसे बनाते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।